कोरोना वायरस महामारी की कोई दवा या वैक्सीन अब तक नहीं बनी है, ऐसे में इम्यूनिटी कैसे मिलेगी? साइंटिस्ट इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है जो रिकवरी में मदद करती है। साइंटिस्ट के अनुसार कोरोना से बचने के लिए जरूरी कोशिकाएं संक्रमण के कम 6 महीने के बाद तक शरीर में रहती है। एक ताजा रिसर्च के इन नतीजों ने इम्यूनिटी को लेकर टेंशन थोड़ी कम कर दी है। 100 लोगों पर हुई रिसर्च में पता चला कि सभी में टी सेल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ जो कोरोना वायरस प्रोटीन्स की एक पूरी रेंज से लड़ने में सक्षम था। इनमें वह स्पाइक प्रोटीन भी शामिल है जो कई वैक्सीन स्टडीज में मार्कर की तरह इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड में हुई रिसर्च के अनुसार जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण थे उनमें इन कोशिकाओं की संख्या बिना लक्षण वाले मरीजों से कम 50% ज्यादा थी। अभी तक की रिसर्च में यह साफ नहीं है कि इम्यूनिटी कितने वक्त तक रहती है। 6 महीने अब तक का सबसे लंबा वक्त है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोविड-19 ने दोबारा जकड़ा है। ऐसे में इस रिसर्च के नतीजे बेहद अहम है। यूके की मेडिकल रिसर्च काउंसिल की प्रमुख फियोना वाट ने कहा, यह बेहद अच्छी खबर है। अगर वायरस के इन्फेक्शन से इतना मजबूत टी सेल रिस्पॉन्स पैदा हो सकता है तो इसका मतलब यह है कि वैक्सीन भी ऐसा ही कर सकती है। टी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं होती, वे व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जो पिछली बीमारियों को याद रख सकती है, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को मार सकती है और जरूरत पड़ने पर एंटीबॉडीज की तैनाती कर सकती है। 17 साल पहले जब सार्स महामारी फैली थी वह भी एक तरह का कोरोना वायरस थी। जब जो लोगों को सांस से संक्रमित हुए थे उनमें आज तक उस बीमारी से लड़ने वाली टी सेल्स मौजूद है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।